क्लास सिक्स साइंस चैप्टर टू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, दैट्स ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 26, चैप्टर टू। हम कहाँ पर थे? हम पढ़ चुके थे फूड के बारे में, पढ़ चुके थे एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड एंड व्हाई दे आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब अपन पढ़ रहे हैं, ये तो हमने किया था कि हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से ये रिक्वायर्ड होते हैं और क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। फूड का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर, क्या फंक्शन है होते हैं, ठीक है। फूड जो है, एक फूड क्या करेगा, हमारी ग्रोथ करेगा। एक फूड हमें क्या करेगा, हमें एनर्जी देगा। एक फूड हमें क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो ये फूड के काम है, ठीक है। तो फूड को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन एनर्जी गिविंग फूड, नंबर टू बॉडी बिल्डिंग फूड, नंबर थ्री प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमें एनर्जी देता है। इसमें अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट और फैट जिससे भी मिलता है, उन सब से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। राइस, ब्रेड, व्हीट, घी, बटर, मिल्क, ये सब किस में आते हैं, एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें डिजीजेज से प्रोटेक्ट करे, जर्म से प्रोटेक्ट करे, वो सब किस में आते हैं, प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं। देखिए इसमें कौन कौन आएगा, विटामिन एंड मिनरल्स आएंगे। ये हमें किससे मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, एग से मिलते हैं। अब आता है हमारे पास बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड मेन चीज़ आती है इसमें प्रोटीन। प्रोटीन बताया था, प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी को फॉर्मेट करता है, डेवलप करता है प्रॉपर तरीके से। तो इसमें क्या क्या आता है, फिश आती है, एग आता है, मिल्क आता है, पल्सेस। पल्सेस से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। चीज़ आता है जो आप सबको बहुत पसंद है, पिज्ज़ा के ऊपर, ब्रेड के ऊपर लगा लगा के खाते हो, ठीक है। तो उससे आपको क्या मिलता है, बच्चों को खाना भी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन होता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर नए सेल को बनाता है, जिससे आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इस के से तीन तरीके के फूड हमें डेली अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अब आता है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होगा, तीनों तरीके के फूड अगर आपकी जो थाली लगी हुई है सामने प्रेजेंट है, उसके अंदर तीनों तरीके के फूड, क्या पढ़ा आपने, तीन तरीके के फूड पढ़े, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड एंड एनर्जी गिविंग फूड, अगर ये तीनों आपके डेली खाने के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको अपन बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। पहले तो डाइट किसे बोलते हैं, डाइट क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, आप डेली पिज्ज़ा ही खा रहे हो, डेली आप सिर्फ दाल चावल ही खा रहे हो, तो ये आपकी डाइट है, ठीक है। जो भी आप खाने में खा रहे हो, सैलेड ही खा रहे हो आप डेली सिर्फ, और कुछ नहीं खा रहे, तो ये आपकी क्या हुई, डाइट। लेकिन इट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट के अंदर तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तीनों तरीके के फूड होने चाहिए, तब जाके हमारी बॉडी प्रॉपर काम करती है, ठीक है। और जो तीनों फूड हैं, तीनों टाइप के फूड हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, ये तीनों प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक तो आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, एक आप बहुत कम ले रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, उसको अपन बोलते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। तो और इसके अंदर वाटर भी आ गया, रफेज भी आ गया, ठीक है। वाटर और रफेज भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब आता है हमारे पास क्यों ज़रूरी होता है, ये तो हमने इतनी बार पढ़ ही लिया कि प्रॉपर फंक्शन के लिए, डेवलपिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, जर्म से फाइट करने के लिए, डिजीजेज से बचने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, या बैलेंस्ड डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अब आता है डिफिशियंसी डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, किसी भी चीज़ की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। हमारी बॉडी में लाइक प्रोटीन की कमी हो गई, हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, तो किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और उस कमी की वजह से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट दिखने लगता है सामने, तो वो उस तरीके की डिजीज़ को हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज़, ठीक है। जनरली ये विटामिन्स एंड मिनरल्स कंसिडर करते हैं इसमें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी करते हैं। इसमें क्या आएगा, विटामिन ए। विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है, तो आपको आँखों से दिखना कम हो जाता है, ठीक है। आप प्रॉपर रात में नहीं देख पाते हैं, इस वजह से इस डिजीज़ को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, पुअर विजन। ये किससे, आपको ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, आपको कैरेट, पपाया, फिश ऑयल, ये सब खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए। इनके अंदर, सबके अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, विटामिन बी वन,
अच्छा बी जो है कॉम्प्लेक्स है, मैंने बताया था एक ग्रुप है बी का, डिफरेंट टाइप ऑफ बी विटामिन मिलकर ग्रुप बनाते हैं, उनको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो बी वन से होता है बेरी बेरी, इसमें क्या होता है मसल्स वीक हो जाती है, ठीक है, कहीं भी आपको झटका आ जाता है तो स्ट्रेन आ जाता है, दर्द होने लगता है आपको, और हमारी प्रॉपर बॉडी काम नहीं कर पाती है। तो इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए, मीट एग्स और होल ग्रेन मिल्क ये सब खाना चाहिए। विटामिन बी टू, स्किन डिसऑर्डर हो जाता है, स्किन डिजीज इन्फेक्शन हो जाता है, आँखों में जलन हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, स्किन में इरिटेशन हो जाता है, मेमोरी डिसऑर्डर, आप भूलने लगते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये भी आपको मिल्क मीट से मिलता है, एग्स से मिलता है, होल ग्रेन से मिलता है। विटामिन बी टू से स्किन डिसऑर्डर होता है, इसमें भी आईज स्किन और मेमोरी आपकी ख़राब हो जाती है। एग्स मीट और पीज मिल्क से मिलता है ये विटामिन बी टू जो है। एनीमिया इन विच देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड ब्लड का जो रेड कलर होता है ना वो किसकी वजह से होता है, रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। तो उसकी अगर बी ट्वेल्व की कमी है तो जो RBC है रेड ब्लड सेल्स वो क्या हो जाती है, कम होने लगती है आपकी बॉडी में और आपको खून की कमी हो जाती है। पेल स्किन, स्किन कैसी हो जाती है, जनरली हमारी स्किन रेडिश होती है, ठीक है, तो पीली पीली सी दिखाई देने लगती है हमारी स्किन, तो पेल स्किन बोलेंगे उसको। एपेटाइट, भूख नहीं लगना, एपेटाइट मतलब होता है भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, ये भी मिल्क और फिश और विटामिन सी, सी स्कर्वी, सी से स्कर्वी जो रिलेटेड टू आर टीथ, ब्लड गम्स, ठीक है, ब्लड गम्स, गम्स मतलब मसूड़े, मसूड़ों से ब्लड का आना इसका मेन फीचर है, सिम्टम है। तो ब्लीडिंग गम्स, डिलेड वाउंड हीलिंग, अगर आप वाउंड मतलब होता है कोई फोड़ा चोट लगना तो वो प्रॉपर हील नहीं हो पाता है। किस किस से अगर आप क्या क्या खाएंगे तो आपको विटामिन सी मिलेगा, जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सब के अंदर विटामिन सी होता है। विटामिन डी जो होता है रिकेट्स, जो विटामिन डी जरूरी होता है हमारे बोन्स के लिए, किससे मिलता है हमें ये, सनलाइट से मिलता है, फिश ऑयल से मिलता है, मिल्क से मिलता है, ठीक है। ये सब हो गया हमारा विटामिन के, विटामिन के जो होता है वो भी हमारे ब्लड को क्या करता है, क्लोट करता है विटामिन के, और किससे मिलता है, वाउंड ब्लीडिंग मतलब लगातार ब्लीडिंग हो जाती है अगर विटामिन के की कमी हो जाती है। ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, सोयाबीन ऑयल से मिलता है, कैल्शियम, वीक बोन्स हो जाती है, टीथ हो जाती है इसका, कैल्शियम की कमी होने से टूथ डिके मतलब दांतों में कैविटी होना, दांतों में दर्द होना, ये सब कैल्शियम की कमी के सिम्टम हैं। मिल्क मीट एंड लीफी वेजिटेबल से ये मिलता है। आयोडीन, आयोडीन से गोइटर होता है, गोइटर मतलब हमारे यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है वो फूल जाती है, उसको अपन बोलते हैं गोइटर। गोइटर देखो कैसे ये जो है ये गोइटर है, ठीक है, ये जो दिखा रखा है ये गोइटर है, ये ब्लीडिंग स्कर्वी हो जाता है। तो ये देखो मसूड़ी सूजन आ गया, उनके अंदर ब्लड निकलने लग रहा है, ठीक है। ये मैरस्मस है और रिकेट्स है, रिकेट्स मतलब जो हमारी हड्डियां हैं वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो ये रिकेट्स है। और ये मैरस्मस है जो किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर है कमी की वजह से जो होता है, ये यहाँ पर अपन पढ़ नहीं पाए थे, विटामिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से दो तरीके के डिजीज़ होती है, मेलेसमस एंड क्वाशियाकोर, ठीक है। ये दो तरीके की डिजीज़ हैं जिसके अंदर हमारी प्रॉपर बोन्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, बोन्स प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, हेयर स्किन डिजीज़ होती है, ठीक है। ये और क्वाशियाकोर और मेलेसमस ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डिजीज़ हैं, अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारे अंदर ये दोनों डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। कहाँ पर थे हम, वापस वहीं पहुँच जाते हैं, हम थे यहाँ पर आयोडीन, आयोडीन जो है उससे गोइटर होता है, इससे हमें आयोडीन वाला क्या खाना चाहिए, नमक खाना चाहिए, टाटा नमक, देश का नमक, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर आयोडीन होता है जो कि हमें किससे, गोइटर से बचाता है। आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, और ऑक्सीजन जब भी सेल तक पहुँचेगी तभी हमें एनर्जी मिलेगी, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी सेल्स तक तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। और ऑक्सीजन को कौन लेके जाती है, RBC रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल की कमी हो गई तो आपको ऑक्सीजन नहीं जाएगी सेल तक, और सेल्स तक नहीं जाएगी तो हमें प्रॉपर एनर्जी भी नहीं मिलेगी। क्या खाना चाहिए इसके लिए, मीट, एग, स्पिनिच, ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, ठीक है, और फ्रूट्स खाना चाहिए, एप्पल में होता है, अनार में होता है, ये सब
आयरन गिविंग फ्रूट्स हैं। अब आता है फॉस्फोरस, इसके इससे भी हमारे दांत और हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है। क्या खाना चाहिए? मीट, फिश, एग्स खाना चाहिए। पोटेशियम, मसल्स कमज़ोर हो जाती है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, इसके लिए भी हमें सोडियम जो है मसल्स क्रैम आ जाता है, कहते हैं ना बाइंठा जिसको बोलते हैं, वो है मसल क्रैम, तो वो टायर्डनेस थकान सी लगती है वो सोडियम की वजह से होता है। इसके लिए हमें सब कॉमन सॉल्ट खाना चाहिए, वही सारी चीज़ें खाना चाहिए। बैलेंस डाइट लेंगे तो आपके अंदर कुछ कमी नहीं होगा, प्रॉपर आप काम करते रहेंगे। फ्लोरीन जो है डेंटल कैरीज, हमारे फ्लोरीन जो है हमारे डेंटल दांतों से रिलेटेड है, दांत खराब हो जाते हैं इसकी वजह से, बोन्स खराब हो जाती है। इसके लिए आपको प्रॉपर वाटर आपके डाइट में प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर आपको इंटेक करना चाहिए, ठीक है। ये सब आपका हो गया, हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में स्टडी करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको उस चैप्टर को प्रॉपर रीड करें, ठीक है। अंडरलाइन जो मैंने किया हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। थैंक यू।